नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। लगभग 6 महीने बाद झारखंड सरकार ने सभी धार्मिक स्थानों को खोलने का फैसला लिया है। झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। अनलॉक 5 की ये नई गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार के ऐलान के बाद झारखंड सरकार ने यह फैसला किया है। देखिए रांची से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद झारखंड समेत रांची के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। वहीं मस्जिदों में भी नमाज की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश के साथ सूबे में धार्मिक स्थल खोलने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद धार्मिक स्थलों में अब रौनक नजर आएगी। हालांकि इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों को लेकर धार्मिक स्थल खोलने की दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं। वहीं राजधानी में अधिकांश धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी धार्मिक स्थल बंद हैं। रांची जिला प्रशासन ने कुछ इलाकों में 10 अक्टूबर से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही शहर में कुछ जगहों पर मंदिर मस्जिद बंद भी दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक समय में केवल 50 लोग ही पूजा नमाज आदि के लिए जुट सकेंगे। इसके साथ ही लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनानी होगी। धार्मिक स्थानों में रखे हुए प्रतिमा, धार्मिक पुस्तक या किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं होगी। अभी मंदिर खोलने का आदेश दे देना चाहिए, ताकि यहाँ पर बहुत से लोग जो फल विक्रेता और प्रसाद बेचने वाले बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिले, उनका काम मिले। और जो विधि व्यवस्था जो था, वो जो बंद पड़े हुए थे बहुत दिन से, वो है सो सुचारू से चालू हो जाए, माता का पूजा होवे, ताकि कोरोना बहुत जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, हट जाए। अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि कल अखबार में देखा था कि सरकार का गाइडलाइन कि एक मस्जिद में 50 आदमी ज़्यादा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है, सैनिटाइजर करना है, मास्क लगा कर आना है, उस अखबार से हम लोग मस्जिद का सफाई वगैरह कर लिया है। वजह की मुकम्मल तैयारी हो गई है, बस आज जोहर के से शुरू हो जाएगा। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ रांची से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।